फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च, जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह रहे नदारद। आपको बताते चले, फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय से लोहिया मूर्ति आवास विकास राह तक एक कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ की भी हिस्सेदारी रही, तो वहीं मणिपुर घटना को लेकर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा और इसी कारण एक आज कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय से शुरू होकर लोहिया मूर्ति तक पहुंचा, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोहिया मूर्ति के आजू बाजू में कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने कहा, जो मणिपुर में घटना घटी है वो अक्षम है, बल्कि उन्होंने तो जो मणिपुर में घटना घटी है, जो उसके दोषी हैं उनको फांसी दिए जाने की भी मांग कर डाली है। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है पीपीएफ लाइव से खास बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने व सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने। इस चीज को लेकर कैंडल मार्च समाजवादी पार्टी द्वारा निकाला जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से मणिपुर में जो अशोभनीय घटना हुई है स्त्रियों के साथ, अपने आप में एक अक्षम्य अपराध है, और इस अक्षम्य अपराध के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वहाँ पे वो लोग भारतीय नहीं? अगर भारत सरकार पिछले कई महीनों से वहाँ पर मुख बनी देखती रही कि किस तरीके से वहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त होती चली जा रही है, और अंत जब एक पराकाष्ठा हो जाती उसके बाद अगर आप देख भी रहे हो तो साहब, ये तो कहीं पर भी न्याय नहीं। बहुत देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान ही होता है, और जिस तरीके से वहाँ पर स्त्रियों के साथ महिला शक्ति के साथ जो हुआ है, पूरा देश उसके लिए जो है एक तरीके से शर्मसार हो गया। मुझे लगता है कि हमारी सरकार को इस चीज़ पर जरूर गौर करना पड़ेगा कि स्त्रियां सबसे ज़्यादा सम्मान की योग्य होती हैं, उनका आदर इस देश की परंपरा है। जहां दुर्गा और काली की हम पूजा करते हैं, उस देश में अगर स्त्रियों के साथ इस तरीके से अपराध हो रहे हैं तो इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है, और उन्हें तुरंत संज्ञान लेके वहां पर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, और उन दोषियों को इतने कठोर दंड की, मैं तो उनके लिए फांसी की मांग करता हूँ कि ऐसे दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग एक मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को एक अश्रुपूर्ण जो है समर्पण अपना पेश करना चाहते हैं कि जो हुआ उसके लिए तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम लोगों की सहानुभूति उनके साथ है, और हम लोग जो कर सकते हैं वो उनके। आज हमने सबसे पहले पूरा सैनिक प्रकोष्ठ जो कारगिल में शहीद हुई, जो हमारे दो जवान हुए थे यादव के, तो उनके उस घर गया, एक अशोक कुमार यादव, दूसरा राकेश कुमार यादव, और उनकी तस्वीर पे हमने माल्यार्पण किया, फूल चढ़ाए, और इसके बाद उनकी जो वाइफ थी उनको हमने क्या नाम साल उड़ा करके सम्मान किया, और इसके बाद में हमने ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। वो क्या नाम मणिपुर में जो हमारे एक फौजी थे कारगिल युद्ध में, जो उन्होंने भाग लिया था, उनके वाइफ के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं।